हेलो फ्रेंड्स, पिंड वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके लिए लेके आऊँ एयरटेल की न्यू वीपीएन ट्रिक, क्विंसी वीपीएन ट्रिक। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो जिन्होंने नहीं किया, और जिन्होंने किया है वो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दो और वीडियो को भी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने इस वीपीएन को आपके फ़ोन के अंदर इंस्टॉल करना है, क्विंसी वीपीएन। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा। अगर लिंक काम नहीं करता आपके फ़ोन के अंदर या पीसी के अंदर, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स के अंदर आपकी ईमेल आईडी बता देना, मैं आपको ये वीपीएन मेल कर दूंगा। तो आओ अब बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। सबसे पहले आपके पास 3G 4G इनेबल एयरटेल का सिम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हो एयरटेल सर्विसेज का आइकॉन आ रहा है, मेरे पास एयरटेल का सिम है। तो मैं पहले कोई ब्राउज़र ओपन करके आपको दिखा देता हूँ कि मेरे फ़ोन के अंदर कोई भी डाटा पैक नहीं है। ये उनके लिए है, कई बार कई यूज़र कह देते हैं कि फेक वीडियो ये है वो ऐसे है। मैं फेक वीडियो नहीं डालता, कई बार आप कोई स्टेप मिस कर देते हो इसलिए ट्रिक काम नहीं करता, या किसी किसी एरिया में वैसे ही ट्रिक काम नहीं करता, या वैसे थोड़ा ट्रिक पुराना हो जाता है, आप वीडियो थोड़ी देर बाद देख रहे हो, 2-3 मंथ बाद देख रहे हो, इसलिए वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन फिलहाल अभी मैं वीडियो ये अपलोड करूँगा, अभी दिस टाइम ये ट्रिक वर्किंग है। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये साइट नहीं खुला, एरर आ चुका है। तो सबसे पहले आपने इस वीपीएन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास फ्रेंड्स फर्स्ट में ऐसे सेटिंग्स आ जाएंगी। अगर आप इंस्टॉल करके फर्स्ट टाइम ओपन करोगे इस वीपीएन को, तो ऐसे ये बॉक्स ऐसे पेज खुल जाएगा। तो इसमें क्या करना है फ्रेंड्स, आपने फ्रंट क्वेरी खाली छोड़ देनी है, मिडल क्वेरी खाली छोड़ देनी, बैक क्वेरी खाली, फिल्टर भी खाली छोड़ देना, कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। सबसे पहले आपने रिमूव पोर्ट आएगा, इस पर टिक करना है, रिमूव पोर्ट के ऊपर टिक करना है। स्टेप ध्यान से फॉलो करना फ्रेंड्स, कोई भी स्टेप मिस मत करना। अगर नई ट्रिक काम करता तो वीडियो को दोबारा देख लेना, स्टेप ध्यान से देखना। अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया फ्रेंड्स, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगा। सबसे पहले फ्रेंड्स आपने रिमूव पोर्ट के ऊपर टिक करना है। उसके बाद आपके पास आएगा प्रोक्सी टाइप, प्रोक्सी टाइप आपने रियल होस्ट सेलेक्ट करना है। प्रोक्सी टाइप में आपने रियल होस्ट सेलेक्ट करना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स कस्टम हेडर आएगा, ये एक्स ऑनलाइन होस्ट रहने देना है, ये पहले से आएगा, इसके अंदर फिल होगा, एक्स ऑनलाइन होस्ट ऐसे रहने देना है। अगर नहीं आता तो आपने एक्स ऑनलाइन होस्ट ऐसे फिल कर देना है जैसे मैंने किया हुआ है, कस्टम हेडर। उसके बाद फ्रेंड्स प्रोक्सी सर्वर आएगा, यहाँ पे मैं प्रोक्सी सर्वर वीडियो के नीचे डाल दूंगा, 2-3 अलग अलग डाल दूंगा। अगर कोई काम नहीं करता तो आप चेंज करके देख लेना, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप यही डालो पहले तो 1.airtel.in। अगर ये काम नहीं करता तो आपका वीपीएन कनेक्ट नहीं होता, तो फिर आप airtellive.in भी कर सकते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने 1.airtel.in करने के बाद, हाँ airtellive.com कर सकते हो। तो उसके बाद फ्रेंड्स आपने 1.airtel.in करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड खाली छोड़ देना है। रियल प्रोक्सी टाइप आपने डिफ़ॉल्ट रहने देना है, डिफ़ॉल्ट होगा और आपने डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद रियल प्रोक्सी सर्वर आएगा फ्रेंड्स, आपने ये फिल करना है 110.3.114.243, 110.3.114.243। तो इसको फिल करना है। रियल प्रॉक्सी पोर्ट आपने 80 कर देना है। तो ये रियल प्रॉक्सी सर्वर हैं जो फ्रेंड्स, ये भी मैं 2-3 वीडियो के नीचे अलग अलग डाल दूंगा। अगर एक काम नहीं करता या आप उससे कुछ ज़्यादा यूज़ कर लेते हो नेट, तो आप रियल प्रॉक्सी सर्वर भी चेंज कर दिया करो 100-150 MB के बाद। और प्रॉक्सी पोर्ट भी नीचे कुछ में 80 ही रहने देना और कुछ में 80-80 कर देना है। तो वो भी मैं वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ से आपने देख लेना ध्यान से। तो ऐसे फ्रेंड्स आपने ये सेटिंग करनी है, रिमूव पोर्ट पे टिक करना है, प्रोक्सी टाइप रियल होस्ट, एक्स ऑनलाइन कस्टम हेडर एक्स ऑनलाइन होस्ट, प्रोक्सी सर्वर 1.airtel.in, रियल प्रोक्सी टाइप डिफ़ॉल्ट रहने देना है, रियल प्रोक्सी सर्वर ये फिल करना है, और रियल प्रोक्सी पोर्ट 80 ही आएगा, 80 रहने देना है। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगी ट्यूनल वाइल्ड वॉइस, आपने ट्यूनल वाइल्ड वॉइस के ऊपर क्लिक करना है।
उसके बाद ओके की ऑप्शन आएगी, आपने ओके कर देना। मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मेरे पास नहीं आएगी। तो यहाँ पे अगर आप ओके पे क्लिक करोगे तो अपने आप स्टार्टिंग ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने पहले किया हुआ है इसलिए मुझे स्टार्ट के ऊपर क्लिक करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे नीचे जो वीपीएन लॉक्स के अंदर कनेक्टिंग आपके पास शो होगा, यहाँ पे लोडिंग लेगा थोड़ी देर। यहाँ पे कुछ टाइम लग सकता है, 30-40 सेकेंड लग जाते हैं कनेक्टिंग होने में फ्रेंड्स, तो आपने वेट करना है। तो थोड़ी देर वेट करना है, इसको डिसकनेक्ट या वीपीएन को बंद नहीं कर देना कि कनेक्ट नहीं हो रहा, थोड़ी देर वेट करना है। यहाँ पे फैचिंग रिमोट सर्वर लिस्ट, ऐसे सर्वर इज लोकेटिंग, ऐसे लोडिंग चलेगा नीचे, आपने देखते रहना है। लेकिन ये थोड़ी देर बाद कनेक्ट हो जाता है फ्रेंड्स। तो और एक बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स, आपने एक दिन में 250 MB ही यूज़ करनी है, ज़्यादा MB यूज़ नहीं करनी अगर आप सिम ब्लॉकिंग से बचना चाहते हो तो। तो अगर आप ज़्यादा MB यूज़ कर लेते हो तो सर्वर थोड़ा चेंज कर लिया करो, यहाँ पे जो मैंने प्रॉक्सी सर्वर डाले हैं वो चेंज कर लिया करो। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स 250 MB यूज़ किया करो। ये ट्रिक्स मैं फेसबुक और व्हाट्सएप हाइक वगैरह मतलब सोशल ऐप्स को यूज़ करने के लिए डालता हूँ। इससे क्या है कि आपको डाटा पैक डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप चैट वगैरह ऐसे ही कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कनेक्ट हो चुका है। डाउनलोडिंग कम किया करो, ये ट्रिक्स डाउनलोडिंग के लिए नहीं होते। कोई भी वैसे एप्लीकेशन यूज़ करना चाहते हो, 250-300 MB बहुत होता है एक दिन के लिए यूज़ करने के लिए, अगर आप डाउनलोडिंग नहीं करते तो। वैसे आपके पास इतनी MB खत्म नहीं होगा। अगर आप डाउनलोडिंग करने लग जाओगे कि फुल मूवीज डाउनलोड करनी है या वैसे कुछ करना है, तो उसके लिए ट्रिक्स नहीं है, सिम ब्लॉकिंग का सामना करना पड़ सकता है फ्रेंड्स। कनेक्ट हो चुका है, पर आप की का निशान भी देख सकते हो। अभी मैं कुछ वैसे खोल के दिखा देता हूँ आपको ब्राउज़र, यही साइट जो बंद अब पहले खुली नहीं थी, अभी मैं लॉगिन कर रहा हूँ दोबारा से, लॉगिन बोला गो करता हूँ। देखो अब ये साइट ओपन हो चुकी है। डाउनलोडिंग वैसे कर सकता हूँ लेकिन मैं करूँगा नहीं। ये देखो पेज कैसे फास्ट ओपन हो रहे हैं, फास्ट वर्क करेगी। ये फेसबुक वगैरह के लिए है फ्रेंड्स। यहाँ पे लाहौर गाना गिप्पी गरेवाल का आ चुका है, मैं डाउनलोडिंग भी करके दिखा देता हूँ। डाउनलोड अगर करना चाहते तो बहुत वही चीज़ को डाउनलोड किया करो। डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो और वो 5 से 10 MB हो, 30-40 MB भी चल जाएगा। ज़्यादा MB की चीज़ डाउनलोड मत किया करो फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे डाउनलोडिंग हो रहा है ये गाना सॉन्ग। यहाँ पे स्पीड भी अच्छी है, अभी कुछ ही टाइम में डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि सॉन्ग फुल डाउनलोड हो चुका है, मतलब कि यहाँ पे डाउनलोडिंग भी काम कर रही है। अब व्हाट्सएप फेसबुक कुछ भी चला सकते हो इसे वीपीएन के थ्रू फ्रेंड्स। और चैनल से जुड़े रहना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हमारे चैनल के बारे में बताओ। और जो फ्रेंड्स पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आए हैं या फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल, ताकि मैं और वीडियो आपके लिए लेके आ सकूं। तो जो पहले से जुड़े हुए हैं चैनल के साथ, उनका तो धन्यवाद फ्रेंड्स। और वीडियो देखने